नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अर्बन पहाड़ी मिस्टिक में स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी हिमाचल की राजधानी शिमला के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिमला अपनी खूबसूरती और अपनी वादियों के लिए कितना प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं इन वादियों और इस खूबसूरती के बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ दफन हैं जो आपका दिल दहला देंगी। इन सभी घटनाओं में से एक घटना है जिसे सभी लोग चुड़ैल की बौड़ी के नाम से जानते हैं। बहुत से लोगों ने शिमला राजमार्ग पर, जो कि नवबहार में छोटा शिमला के बीच में है, जहां पर किसी भी वाहन की गति स्वचालित रूप से धीमी हो जाती है, चाहे आप कितनी ही तेजी से अपना वाहन चला रहे हों, इसी राजमार्ग पर लोगों ने एक महिला को देखा है जो कि सफ़ेद साड़ी पहने होती है। उसने अपने पूरे चेहरे को अपने लंबे काले बालों से ढका होता है। वो विशेष रूप से रात में यात्रा करने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। इस बारे में पता ना होने के कारण लिफ्ट देने के लिए अपना वाहन नहीं रोकते, तो उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा एहसास होता है जैसे आपके वाहन की पिछली सीट पर कोई बैठा हो। बहुत से लोग इस एहसास को महसूस करते हैं और इस कारण वह अपने वाहन से अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिस कारण वह किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अगर आप इस एहसास को नज़दीकी से महसूस करना चाहते हैं तो आप हिमाचल में आकर नवबहार से छोटे शिमला की ओर जाने वाले रास्ते, जिसे कि लोग नेशनल हाईवे 5 के नाम से जानते हैं, आप यहां आकर इस एहसास को महसूस कर सकते हैं। ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अर्बन पहाड़ी मिश्रिक को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी चुड़ैल की बौड़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।